हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज चैप्टर 4th की। हमने इंट्रोडक्शन पीछे पढ़ चुके हैं, अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 से। चैप्टर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको सॉल्व करके बताना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखते हैं, फर्स्ट में क्या दे रखा है, x प्लस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओपन करेंगे इधर a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2 3 जा 6। अब इधर एक साइड लेके जाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, इधर प्लस था माइनस 2x, इधर माइनस था प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर 2 आएगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसको क्या बोल देंगे, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एज इट इज इक्वल टू माइनस 2 की और 3 की 2 3 या 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की और x की 2x। इधर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6, इनको जब हम इधर से लेके गए तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस 6, और प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, 2, हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है थर्ड, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सॉल्व करेंगे x की और x की मल्टीप्लाई, x स्क्वेयर x की माइनस 2 की और x की माइनस 2x, x की और 1 की प्लस x, और 1 की और 2 की माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वेयर आ जाएगा, x की और 3 की प्लस 3x माइनस x, और 3 1 जा 3। x स्क्वेयर एज इट इज माइनस 2x प्लस x माइनस 2, इनको इधर लेके आए, प्लस था माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस का माइनस 3x, और माइनस का प्लस x, और माइनस का प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, माइनस 2x और x प्लस x 2x हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस 3x बच गया, और माइनस 2 और प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो क्या बोल देंगे, इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 1, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आती तब हम क्या बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5, अंदर मल्टीप्लाई किया x और 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर आ जाएगी, x की और 1 की प्लस x, माइनस 3 2 जा 6x, और माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x स्क्वेयर x की और 5 की प्लस 5x, 2x स्क्वेयर 6 में से x हटा देंगे माइनस 5x माइनस 3, इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 5x इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर घटाया x स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आई, 2, इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, मल्टीप्लाई किया 2x की और x की 2x स्क्वेयर 2x की और 3 की 2 3 जा 6x, और 1 की और x की माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3। एक्स 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 स्क्वेयर x की 5 की और x की माइनस प्लस 5x, x की और 1 की माइनस x, और 5 1 जा माइनस 5। 2x स्क्वेयर 6 और माइनस 1 माइनस 7x प्लस 3, इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, 5 में से 1 घटा देंगे प्लस का 4, इधर गया माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर घटाया, क्या आया, x स्क्वेयर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x, 5 और 3 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आया, 0, और हाईएस्ट पावर 2 आ गई, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है सिक्स्थ,
एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसका होल स्क्वेयर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर टू का स्क्वेयर फोर माइनस टू टू जहाँ फोर एक्स। अब सभी को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का माइनस है, इधर प्लस का फोर एक्स और माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, फोर प्लस थ्री सेवन एक्स और फोर में सेवन घटा देंगे माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोल देंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, वन, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है x प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब देखें इसको क्यूब ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। इधर क्या आ जाएगा, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है टू, टू का क्यूब क्या आ जाएगा टू, टू जा फोर, फोर टू जा एट प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर बी, ए हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर मीन्स एक्स का स्क्वेयर हो गया और बी क्या है टू, टू एक्स स्क्वेयर के थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री और ए हमारे पास क्या है एक्स थ्री एक्स और टू का स्क्वेयर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स, सभी को इधर लेके आएंगे एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट माइनस टू एक्स क्यूब और प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस टू एक्स में से क्यूब में से एक्स क्यूब घटाया माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर ट्वेल्व और टू फोर्टीन एक्स प्लस एट, इसकी हाइएस्ट डिग्री कितनी आ गई, थ्री आ गई। तो क्या बोल देंगे, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब, इसका होल क्यूब ओपन करेंगे। अब माइनस है तो हमारे पास है यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, क्या करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी हमारे इधर एज इट इज रख दिया, इधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी का हमारे पास क्या है टू, टू का क्यूब क्या आ जाएगा माइनस एट माइनस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा ट्वेल्व एक्स। इसको एज इट इज हमने ओपन कर दिया, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, इधर माइनस था सॉरी प्लस था, इधर माइनस आ गया प्लस आ जाएगा, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर, सिक्स में से फोर घटाया टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व और एक्स माइनस थर्टीन एक्स, एट और वन प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। हाइएस्ट पावर क्या है टू, तो क्या बोल देंगे इट्स हाइएस्ट डिग्री इज टू, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, फर्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर। आपको कोई भी रेक्टेंगल का प्लॉट दे रखा है, उसका एरिया बता रखा है 528 मीटर स्क्वेयर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, वन मोर देन एक अधिक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ उसके ब्रेथ के दो गुने से एक अधिक है लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ द प्लॉट, तो हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, मान लिया हमने ब्रेथ कितनी मान ली, एक्स मान लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बोल रखा उसके डबल से एक ज़्यादा है, तो एक्स का टू टाइम्स क्या हो जाएगा टू एक्स और उससे एक अधिक है तो प्लस वन मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी टू एक्स प्लस वन और ब्रेथ क्या है एक्स, तो दोनों ही मल्टीप्लाई किसके इक्वल, एरिया आपको दे रखा 528, तो क्या लिख देंगे 528 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको इधर ले आए माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो, और ये हमें निकालना था, क्यों, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जो रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जुगेटिव क्या होता है, लगातार, पिछली क्लासेस में भी आया है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कि नहीं भी दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट कितनी है 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर, तो हमें इंटीजर्स फाइंड करने के लिए बताना,
लेट टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, क्या मान लिए, एक एक्स हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा, उससे एक अधिक होगा, एक्स प्लस ए वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा, उनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 306। तो एक्स और एक्स प्लस वन की प्रोडक्ट कितनी है, इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की और एक्स की, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको प्लस को इधर लेके आएंगे, माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माताजी है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद उनकी जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 306। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, उसकी रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बताओ। लेट रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, उनकी मदर की एज क्या है, उससे 26 बड़ी है, तो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 26 है। और आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उन दोनों की प्रोडक्ट एज की प्रोडक्ट दे रखी है, तो रोहन की एज क्या होगी 3 साल बाद, एक्स प्लस 3 हो जाएगी, उनकी मदर की एज, अब एक्स प्लस 26 है, प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 29। और फिर उसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 360। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इधर हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 और 3 की 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 360 में से 87 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 273, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो एक नॉर्मली स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटे हम कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए वो ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। टाइम हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, 480, और स्पीड से किससे, x से, तो टाइम कितना आ जाएगा, 480 बाई एक्स आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया। व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन लेस देन 8, उसकी स्पीड को जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया, तो पहले स्पीड कितनी थी, x, अब x में से 8 माइनस कर देंगे तो कितनी होगी स्पीड, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम, उसके बाद हमारे पास टाइम कितना होगा, कि जो हमारे पास पहले टाइम दे रखा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लेती हैं, तो पहले हमारे पास टाइम कितना था, 480 बाई एक्स, 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो प्लस 3 आ जाएगा, इतना टाइम उसने लिया। अब हमारे पास जो डिस्टेंस निकाल रहे, डिस्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और स्पीड हमारे पास क्या दे रखी है, स्पीड हमारे पास कितनी है, एक्स माइनस 8, और टाइम हमारे पास कितना है, 480 बाई एक्स प्लस 3, और डिस्टेंस कितनी फाइंड करनी उसको, 480 किलोमीटर। अब देखते हैं इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 को इधर एज इट इज रख लिया, और इधर हमने मल्टीप्लाई की 480 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे, सभी की हम अलग अलग से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखो कैसे 480 की और x की मल्टीप्लाई कर देंगे, 480x, x की और 3 की क्या आ जाएगी, प्लस 3x, उसके साथ x आएगा बच्चे। इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, 480x, इधर क्या आ जाएगी, प्लस 3x आ जाएगी, और माइनस 8 की और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, माइनस 3840 बाई एक्स, 8 3 24 = 480। अब 480 इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x, क्योंकि डिस्टेंस 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3840 बाई एक्स माइनस 24। अब हमने x एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। और इसके हमने अगर इसको अगर हम ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, x को उधर लेके गए, ख़त्म हो जाएगा, माइनस 24x एज इट इज इक्वल टू 0। सभी में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 8 24 माइनस 8x, और 3 से करेंगे इसको डिवाइड, 3 1 3 3 2 6 2 आ जाएगा, 3 8 24 और 0। तो ये 3 को उधर लेके गए, 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। ओके, थैंक यू।